शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष नौमी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आज दिन भर चलता रहेगा, जो कि कल शाम से ही लगा हुआ है, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, सुखी, धार्मिक और विनम्र होते हैं। ये दयालु प्रवृत्ति वाले, अच्छे काम करने वाले, ऐश्वर्यशाली और स्वाभिमानी भी होते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी, समाज का साथ देने वाले, किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि पाने वाले, कानून के आदर करने वाले और सरकारी क्षेत्रों से लाभ पाने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज मकर राशि में ही चलते रहेंगे। कल हम दैनिक राशिफल की चर्चा के दौरान मेष राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिदिन क्रमशः अलग अलग राशियों की चर्चा करते रहेंगे। इसको ध्यान से सुने, अमल करें और इसका लाभ उठा सकते हैं। मेष राशि वाले जातक आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे और संबंधित कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज केतु और चंद्रमा दोनों आपके दसवें घर में विराजमान हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा स्तर आपके हर काम को सफल बनाएंगे। पत्नी की प्रेरणा और सलाह से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, मगर थोड़ी मानसिक उलझन बनी रह सकती है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल होगा। कार्य क्षेत्र में पूंजी निवेश का योग चल रहा है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आज बनी रहेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र की व्यस्तता और अपने बुद्धि कौशल के इस्तेमाल से सफलता में व्यतीत होगा। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। नए व्यावसायिक योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। बच्चों से संबंधित मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक सफलता और आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। नई योजनाओं को कार्य रूप में बदलने का समय अनुकूल है। आपकी योजनाएं लाभदायक परिस्थितियों में बनी रहेंगी। नई योजनाओं की साझेदारी सफल रहेगी। संबंधित कार्यों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। कर्क राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विभाग अथवा व्यावसायिक स्थल को सुचारू ढंग से रख रखाव, साफ सफाई और सुसज्जित करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर कुछ मामलों में पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से परेशानी भी खड़ी हो सकती है। मन में नकारात्मक विचारों को न लाएं, सकारात्मक पहल करते हुए हर समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सोच दोनों प्रभावित रहेगी। चंद्रमा और केतु आपके छठवें भाव में चल रहे हैं और आपके राशि स्वामी आठवें भाव में चल रहे हैं, इसलिए आज संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर भी पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। नई योजनाओं के लिए आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर सहायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मन मुताबिक उत्साह बना रहेगा। छोटी यात्राएं संभावित हैं। कन्या राशि के जातकों का आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर व्यावसायिक दृष्टिकोण और कार्य क्षेत्र के प्रति केंद्रित रहेगा। हालांकि काम करने के तरीके में व्यवधान संभव है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता और पारिवारिक दबाव महसूस करेंगे। आपकी व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और नए निवेश का प्रस्ताव मिल सकता है।
आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में व्यवधान संभावित है। मित्रों का सहयोग मिलेगा और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों को पारिवारिक सहयोग और सामाजिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक होंगे। आपके कामों की अधिकता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। रुकी हुई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र के प्रति केंद्रित रहेगा और विभागीय कामों में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आपके उत्साह आर्थिक लाभ को गति देंगे। धन संबंधी लेन देन में सावधानी रखनी होगी। विश्वासघात की संभावना बनती है। साझेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। दांत मसूड़े व पित्त से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। धनु राशि वाले जातकों की सकारात्मक ऊर्जा हर काम को सफल बनाने के लिए सक्षम होगी। मेहनत करने की प्रवृत्ति को बनाए रखें। आर्थिक लाभ के नए प्रस्ताव और नए अवसर मिल सकते हैं। जमीन और वाहन संबंधी निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कुछ कामों में अनावश्यक विलंब व अड़चनें संभावित हैं। आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए अपने ही कामों के प्रति असंतुष्टि की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी खास काम के प्रति बार बार प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि अच्छे और शुभ काम का संयोग आज बना हुआ है। व्यवहारिक पक्ष सक्रिय रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कुंभ राशि के जातक अपने बुद्धि कौशल का परिचय देंगे और सकारात्मक दृढ़ विश्वास बना रहेगा। मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी होगी। मौसम संबंधी समस्याएं संभावित हैं। मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्च हो सकता है। मगर व्यावसायिक योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। वाद विवाद संबंधी मामलों में शांति बनाए रखें। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और धार्मिक यात्राएं संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र से सुकून मिलेगा और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। मगर मन गुप्त शत्रुओं से सशंकित रहेगा। हालांकि अपने ऊपर आलस्य को हावी ना होने दें और योजनाओं के विकास की दर और आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव की पूर्ति करने की कोशिश करें। अभी अधिक जोखिम भरा आर्थिक निर्णय उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।